मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में नए अनुभव, मंडप की भूमि पूजा सीएम के हाथों आज। बीदर जिले के बसव कल्याण में बसवन जी की कर्म भूमि में नए अनुभव मंडप निर्माण को लेकर भूमि पूजा करने पहुंचे सीएम येडियुरप्पा। इस कार्यक्रम में अनुभव मंडप ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर बसवलिंग पट्टा देवरु, डेप्यूटी सीएम लक्ष्मण सऊदी, आरोग्य मंत्री डॉक्टर डी सुधाकर, जिला निगरान मंत्री प्रभु चौहान, कल्याण कर्नाटका बोर्ड के अध्यक्ष बसवराज पाटिल, सेडम सांसद भगवत खूबा उमेश यादव सहित और भी लोग शामिल रहे। सरकार ने इस अनुभव मंडप के लिए निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया है। एक साल के अंदर इस काम के निर्माण किए जाने का विश्वास जताया है मंत्रियों ने। सिद्धरामैया बयानात नहीं देंगे तो कांग्रेस से खो जाएंगे, नलिन कुमार कतील। दावणगेरे में चल रही 80 मोर्चा की सभा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी राज्याध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने मीडिया से कहा कि अगर सिद्धरामैया बयान नहीं देंगे तो कांग्रेस से खो जाएंगे। सिद्धरामैया को गौ हत्या कानून और आरएसएस पर कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए डीके शिवकुमार पर गुस्सा होने के बदले वो बीजेपी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में हर तरफ डीके शिवकुमार ही दिखाई दे रहे हैं। डीके शिवकुमार के प्रभाव को कम करने के लिए रोज उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं सिद्धरामैया। इन दोनों के बीच बड़ी स्पर्धा चल रही है। आरएसएस सभी समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। परसों हुई सभा में किसी ने भी सीएम के खिलाफ बात नहीं की। कुल विधायकों ने अनुदान पूछा। बीजापुर नगर विधायक बसनगढ़ पाटिल यतनाल के खिलाफ पक्ष के प्लेनरी कमेटी की जानकारी दी गई है, इन पर कार्रवाई की जाएगी। कहा क्या बोलना है क्या नहीं सोच कर बोलना पड़ेगा, बताया नलिन कुमार कतील ने। मैं किसी से डरने वाला बंदा नहीं हूं, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि परसों हुई सभा में सब मंत्री और विधायक खामोश थे। रास्तों पे बयान देने वाले एक विधायक ने हंगामा किया, ये बात डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने कही है, जो बिल्कुल सच है। वैसे इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया सीएम के घर, मैं मंत्री बनने की गर्ज से कभी नहीं गया, जनता की भावनाओं को जाने के लिए गया हूं। मैं किसी से डरने वाला बंदा नहीं हूं, माफी भी मांगने वाला नहीं। प्रेस ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया है, ऐसा भी कहने वाला नहीं हूं। उत्तर कर्नाटक की अभिवृद्धि और जनता की समस्याओं को लेकर ही बयान दिया है। सरकार ने जब भी गलती की है मैंने चेतावनी दी है, इसको पक्ष विरोधी काम नहीं कह सकते। अभिवृद्धि के लिए उठ रही मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। मैं सीएम से बात करते समय एक को छोड़कर सभी विधायक खामोश थे, किसी ने भी मेरी बात का विरोध नहीं किया। इससे पता चलता है कि दूसरे विधायक मेरा समर्थन करते हैं। बहुत जल्द मंत्री और डिप्टी सीएम बनने के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा ही ईमानदारी दिखा रहे हैं। मेरी बातों से सीएम नाराज हुए हैं या नहीं इसका मुझे पता नहीं। मुझ पर कार्रवाई के लिए केंद्र को कोई रिपोर्ट भेजी नहीं गई, ऐसे ही कुछ ना कुछ कहा जाता है। पत्रकारों पर भी आक्रोश बताते हुए कहा कि सुबह यत्नाल ने ठीक ही कहा, फिर शाम को कहते हैं कि यत्नाल ने जुबानबाजी की है, कहते हुए पत्रकारों पर भी अपना आक्रोश जताया विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने। एक्सरे मशीन दिलवाने का वादा करके डॉक्टर को धोखा देकर फरार। कम दामों में एक्सरे मशीन दिलवाने का वादा करके डॉक्टर्स और अस्पताल के दूसरे लोगों से रुपया लेकर फरार होने वाले 3 आरोपियों पर बागलकोट पुलिस थाने में शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि बागलकोट में रहने वाले आरोपी विश्वनाथ तेनल्ली, इसकी पत्नी रूपा तेनल्ली और नागराज अक्की ने एक्सरे मशीन के लिए बसवराज हुगार नामक व्यक्ति से 12.5 लाख रुपए लिए थे। अब ये आरोपी बागलकोट का अपना घर और जायदाद बेचकर यहां से फरार हुए हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। मीडिया को बताया शिकायतकर्ता बसवराज हुगार और एसपी लोकेश ने।
मामूली बात पर कत्ल करने वाला पुलिस की गिरफ्त में। 31 दिसंबर को मिसबा हुसैन नामक युवक के लापता हो जाने की शिकायत इसके भाई उज्जैन हुसैन ने की थी। बेंगलुरु कैबन पार्क पुलिस ने जांच करके आरोपी आरिफुद्दीन को जकड़ दिया। बताया जा रहा है कि लापता मिसबा हुसैन और उज्जैन हुसैन आसाम निवासी थे। मिसबा सिक्योरिटी गार्ड था, इसका दोस्त आरिफ भी सिक्योरिटी गार्ड था। ये तीनों एक ही कमरे में किराए पर रहते थे। कुछ दिन पहले मिसबा और आरिफ के बीच पानी को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी का बदला आरोपी ने लिया और मिसबा का मोबाइल ऑफ करके आरिफ फरार हुआ था। पुलिस ने मृतक के मोबाइल की जांच की और आखिर में आखिरी कॉल आरिफ की थी। इस पर सख्ती से पूछताछ करने पर आरिफ ने मिसबा को गला दबाकर मारने की बात कबूल की और लाश को पानी की टैंक में फेंकने की जानकारी दी। पुलिस ने कत्ल के आरोपी आरिफ को मोबाइल लोकेशन द्वारा ट्रेस करके आसाम जाकर गिरफ्तार कर लिया है। चिकमंगलुरु में 11 स्टूडेंट्स और 7 टीचर्स कोविड की चपेट में। राज्य भर में लॉकडाउन के समय बंद किए गए स्कूल्स को खोलने की घोषणा सरकार ने की थी, जिसके चलते 10वीं पीयूसी और डिग्री फाइनल ईयर के लिए क्लासेस शुरू की गई है। मगर स्कूल्स के खुलने से एक दिन बाद ही बेलगाम, हावेरी, गदक सहित कई जिलों में टीचर्स और स्टूडेंट्स की कोविड जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने का सिलसिला यूँ ही चल रहा है। आज चिकमंगलुरु में जिलाधिकारी बागड़ी गौतम ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि जिले में अब तक 12 टीचर्स और 15 स्टूडेंट्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। किससे ये वायरस फैल रहा है, इस सवाल का जवाब दिया कि क्या टीचर से स्टूडेंट को या स्टूडेंट से टीचर्स को, इसका जवाब देने के लिए इन लोगों के संपर्क को पता लगाना पड़ेगा। इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, बताया जिलाधिकारी गौतम ने। पंचायत स्तर पर पक्ष को बलवान बनाने की जरूरत है, डीके शिव कुमार। आज बंतवाड़ के पानी मंगलूर के सगर ऑडिटोरियम में मैसूर विभाग प्रतिनिधियों के लिए आयोजित कांग्रेस संकल्प समावेश का उद्घाटन करते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि पंचायत और बूथ लेवल पर पक्ष को बलवान बनाने की जरूरत है। यही पहले से चला आ रहा है, जो भी पक्ष में आना चाहे तो वह पंचायत लेवल से ही आएगा तो पक्ष बलवान बन सकता है। 2021 हमारे लिए पक्ष को मजबूत करने का साल होगा, बताया डीके शिव कुमार ने। इस समावेश में मैसूर, चिकमंगलूर, कोडग, दक्षिण कन्नड़, उड़पी और शिमोगा के करीब 474 प्रतिनिधि भागी रहे। चिक्कोड़ी को जिला बनाने की मांग। आज चिक्कोड़ी में मीडिया से बात करते हुए चिक्कोड़ी जिला होराट समिति के अध्यक्ष बीआर संगप गोल ने कहा कि पिछले 30 सालों से चिक्कोड़ी को जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर हमारी लड़ाई चल रही है। हमारी इस मांग का समर्थन कांग्रेस और बीजेपी के मुखंडों में उस समय समर्थन दिया था, आज ये लोग खामोश बैठे हैं। चिक्कोड़ी की लापरवाही करते हुए जारकीहुली भाइयों ने गोका को जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धरामैया की सरकार अवधि में चिक्कोड़ी को जिले का दर्जा देने की बात की गई थी, मगर यह हो ना सका। चिक्कोड़ी में 4 सचिव, सांसद और कई बड़े सियासी मुकंड हैं, मगर इस मामले को लेकर ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा न किया गया तो उपवास सत्याग्रह शुरू किया जाएगा, जो भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे, कहा अध्यक्ष ने। नकली दाखिलों की छपाई, सीसीबी पुलिस की जांच। पिछले दिनों बेंगलुरु में एक आरटीओ अधिकारी ने जानकारी दी थी कि हमारे दफ्तर में लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के लिए कुछ अर्जियां आई हैं जो हमारे दफ्तर की नहीं है, शायद कोई ऐसी फॉर्म्स छाप रहा है। इसकी जानकारी के बाद बेंगलुरु पुलिस ने छानबीन शुरू की तो अमृतानंद माई आश्रम के पास सैकड़ों लाइसेंस फॉर्म बरामद हुए हैं। पता नहीं इसको यहाँ किसने फेंका। ध्यान भारतीय पुलिस इस फॉर्म को कब्जे में लेकर इसके छापने वालों की तलाश में जुटी है।
रानी बेनूर तालुका में दो घरों को लगी आग, लाखों के नुकसान की शंका। कल रात 2 बजे के करीब हावेरी जिला रानी बेनूर तालुका के अरे मल्लापुर ग्राम के शिवाजी नगर इलाके में घरों को आग लग जाने की घटना घटी है, जिसमें लाखों के सामान जलकर खाक हो जाने की बात सामने आई है। ग्राम के फकीरप्पा हलवागल और कोटप्पा नामक व्यक्तियों के घर एक दूसरे के आसपास हैं। पहले फकीरप्पा के घरों को अचानक से आग लगी तो घबराकर परिवार के लोग घर से बाहर आए, देखते ही देखते ये आग कोटप्पा के घर पर भी चढ़ गई। बताया जा रहा है कि घर में मौजूद सामान सहित नकदी और जेवरात जलकर काफी नुकसान हुआ है। रास्ते पर जा रहे व्यक्ति पर चढ़ गई कार, मौके पर ही मौत का वीडियो वायरल। चित्रदुर्ग जिला होल्लकेरे तालुका के टी नलुनूर गेट के पास यह हादसा पेश आया है। रास्ते पर पैदल जा रहे व्यक्ति को कार ने पीछे से आकर ठोक दिया। मृतक व्यक्ति की शनाख्त बोरन हल्डी ग्राम निवासी 51 साला रामप्पा के नाम से हुई है। हादसा किस तरह हुआ इस सब का नजारा CCTV कैमरे में कैद हुआ है। चित्र हल्डी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। किसानों का आंदोलन गैर मायनी है, कृषि मंत्री BC पाटिल। आज कोलार में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री BC पाटिल ने कहा कि दिल्ली में चल रहा किसानों का एहतजाज का कोई मतलब ही नहीं है। 2008 में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने MSP और APMC को बंद करने की मांग करते हुए एहतजाज किया था। उस वक्त गेहूं का MSP दाम पर क्विंटल 1000 रुपये था, बाहर 1600 था। यानी किसान अब इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। 2013 में शरद पवार के नेतृत्व में UPA सरकार ने कृषि सचिव की समिति का गठन करके 98 सफों वाली रिपोर्ट दी थी, जिसमें APMC को निकालने की सिफारिश की गई थी। 2019 में कांग्रेस ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में APMC को निकालने की बात भी कही थी, मगर हमारे नए कानून में APMC और MSP निकाले नहीं गए हैं। इन नए कानूनों के तहत किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकता है। ये किसानों का हक भी है, इस हक को हम किसानों को दे रहे हैं। और किसानों को क्या चाहिए, सवाल किया कृषि मंत्री BC पाटिल ने। पंचमशाली समुदाय को 2A का दर्जा, 14 जनवरी को विधान सौधा का घेराव, सरकार को स्वामी जी की चेतावनी। पिछले कई महीनों से पंचमशाली समुदाय को 2A में शामिल करने की मांग करते हुए एहतजाज चल रहा है, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते 14 जनवरी को पंच लक्ष्य पाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसके जरिए बेंगलुरु पहुंचकर विधान सौधा का घेराव किया जाएगा। आज धारवाड़ में सरकार को चेतावनी देते हुए पूर्व विधायक HS शिवशंकर के निवास में कुड़ल संगम के पीठाधीश बसवा मृत्युंजय स्वामी जी ने मीडिया को बताया कि अगर इस मांग को पूरा ना किया गया तो राज्य भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लिंगायत समाज को OBC का दर्जा देना होगा। सरकार को चाहिए कि केंद्र को इसके लिए सिफारिश करे। सरकार को हमने 1 महीने की मोहलत दी थी, मगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बड़ा एहतजाज करना हमारी मजबूरी बन गई, यह बताया स्वामी जी ने। अनैतिक संबंध, पत्नी और भाई का कत्ल। अनैतिक संबंधों के कारण 2 व्यक्तियों के कत्ल की घटना बीजापुर जिला इंडी तालुका के बंताड़ ग्राम के बागीचे के घर में कल रात ये घटना घटी है। जब पति लक्ष्मण ने अपनी पत्नी और अपने भाई को आपत्तिजनक हालत में देखा तो कुल्हाड़ी से हमला करके दोनों का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी 30 साला ईरम्मा और 35 साला रुद्रप्पा को ठिकाने लगा दिया। इंडी ग्रामीण थाने की पुलिस ने ये जानकारी दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।